हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जैसे कि आपको पता है कि वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या क्या गिफ्ट में दिया है वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे वैलेंटाइन डे तो आने वाला है, फिर गिफ्ट पहले ही क्यों दे दी, क्योंकि तब तक मैं अपनी सारी चीजें तैयार कर लूँ और अच्छे से उनको वैलेंटाइन डे पर पहनूँ। इस वजह से तो मुझे लगा कि मैं अभी आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, जिससे आप लोगों को भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो वैलेंटाइन डे पे, अगर आप हस्बैंड हो तो अपनी वाइफ को देना चाहते हो, अगर आप बॉयफ्रेंड हो तो अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाहते हो, तो मुझे लगा कि चलो मैं अभी शेयर कर देती हूँ। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कि मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या क्या गिफ्ट दिया है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलो वन बाई वन में स्टार्ट करती हूँ और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी। आप लोग कमेंट करके बताते हो ना तो मुझे काफी अच्छा लगता है, और थैंक यू सो मच। कुछ लोग ना रेगुलर कमेंट करते हैं, उनके कमेंट रीड करके मुझे काफी अच्छा लगता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों की भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। फर्स्ट मैं मेरी पर्सनल फेवरेट में बता देती हूँ कि मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है वो चीज, आप लोग साथ फर्स्ट में शेयर करूंगी, मैं लास्ट में नहीं करूंगी। तो फर्स्ट में उन्होंने मंगाई हुई है मेरे लिए ये वाली सैंडल, जो कि मुझे बहुत पसंद आई है। पेंसिल हिल नहीं है, आप लोग देख सकते हो, तो पहनने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। पैर दर्द करते हैं अगर आप ज़्यादा दूरी तक चलते हो, कहीं जाते हो घूमने करने, तो अगर पेंसिल हिल वाली कोई सैंडल पहन के जाते हो तो दर्द करती है। इस वजह से उन्होंने इस टाइप की मंगाई हुई है और मुझे ज़रूरत भी थी इस टाइप की सैंडल्स की, इस वजह से। और ये है खादिम की ब्रांड, काफ़ी अच्छा है, इसकी सैंडल्स काफ़ी अच्छी निकलती हैं। एक और सैंडल्स हैं वो भी अनिल ने मंगाई थी मेरे लिए, वो भी खादिम की थी, तो उन्हें काफ़ी अच्छी लगी। एकदम लाइट वेटेड है, एकदम लाइट वेट, और ये है क्रीम कलर और एकदम शाइनिंग वाला है, एकदम शाइनिंग वाला, देख सकते हो ये कितना सॉफ्ट है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, पहन के भी बहुत अच्छा लुक आ रहा है पैरों में। तो जल्दी ही मैं इसको वियर करूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, आप मेरे रेगुलर ब्लॉग्स तो देखते ही हो। तो ये मंगाई हुई है उन्होंने मेरे लिए सैंडल, फर्स्ट गिफ्ट मेरा ये हो गया। सेकेंड वन मैं आपको दिखाती हूँ, सेकंड वन भी मेरा बहुत फेवरेट है, ये कलर तो मुझे बहुत पसंद आता है। इस टाइप इस कलर की मेरे पास एक साड़ी थी, और साड़ी वो हमेशा मुझे अगर कुछ भी गिफ्ट करते हैं तो साड़ी की पहले सोचते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, साड़ी में उनका मानना है और मेरा भी मानना है कि साड़ी में लेडीज ज़्यादा सुंदर लगती है ना, सूट वगैरह की अपेक्षा, क्योंकि सूट वगैरह तो आप डेली ही पहनते हो। तो उन्होंने मंगाई हुई है मेरे लिए, आप लोग देख सकते हो, गोटा पट्टी की साड़ी, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी। इसका फैब्रिक बहुत अमेजिंग है और जॉर्जेट फैब्रिक है, और ये है इसके बॉर्डर पर गोटा पट्टी का काम हो रहा है, और नीचे थोड़ा सा पिंक कलर की यहाँ पर देख सकते हो इस टाइप से लेस लगी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। पूरी साड़ी में छोटे 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 इस टाइप से गोटा पट्टी के फ्लावर बने हुए हैं, और इसका फैब्रिक एकदम सॉफ्ट है, बहुत अच्छा फैब्रिक है, बहुत अच्छी साड़ी है। और इसको मैं जल्दी ही तैयार करूंगी और इसका लुक आप लोग देख लीजिएगा जब मैं इसको पहनूं, तब जल्दी ही पहनूंगी। और मुझे ये साड़ी काफ़ी अच्छी लगी, इसका कलर भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ये क्या हो गया, इसका कलर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसका ब्लाउज भी सेम ऐसा ही है। जल्दी मैं इसको वियर करूंगी। ये साड़ी आपको कैसी लगी बताना, मैं पास से दिखा देती हूँ। इसका फैब्रिक काफ़ी अमेजिंग है, एक जॉर्जेट फैब्रिक है, जॉर्जेट फैब्रिक की साड़ी मेरी मम्मी को बहुत पसंद आती है। थर्ड वन एक और साड़ी है और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है, आप लोग देख सकते हो, ये है सेम वही प्रिंट, वही डिजाइन, सब कुछ वही है, सिर्फ बॉर्डर अलग है, और इसका भी जॉर्जेट फैब्रिक है, एकदम सॉफ्ट फैब्रिक है, और वो ग्रीन कलर में थी और ये है ऑरेंज कलर में, और इसका बॉर्डर कुछ इस तरीके का है, आप लोग देख सकते हो, ये इसका बॉर्डर काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये पूरी साड़ी ऑल ओवर एक जैसी है, इतना चौड़ा इसका बॉर्डर है, सेम ऐसा ही इसका ब्लाउज है, और अगेन इसका फैब्रिक भी जॉर्जेट है। इसको भी मैं जल्दी ही तैयार करूंगी, और ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है ना, ये कलर शायद मेरे पास है नहीं साड़ियों में, नहीं है मेरे पास, नहीं है, तो ये कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, खिलके भी आ रहा है ना। हाँ, तो ये मंगाया हुआ है ना थर्ड नंबर का गिफ्ट। अगर आप हस्बैंड हो तो अपनी वाइफ को साड़ी गिफ्ट कर सकते हो, ज़्यादा महंगी नहीं है ये साड़ियाँ, और मुझे वैसे भी महंगे गिफ्ट ना ज़्यादा पसंद आते नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी गिफ्ट हो जाएं या बहुत सारी मेरे पास चीज़ें हो जाएं, मैं खुद भी कुछ लेती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ज़्यादा पैसे वेस्ट करना। थर्ड वन है, आप लोग देख सकते हो, ये है चुनरी, जो कि बनारसी सिल्क में है, आप लोग देख सकते हो। इस टाइप की चुनरी मेरे पास थी नहीं, तो मैं अनिल से बहुत टाइम से बोल रही थी कि मुझे अपने लिए चुनरी लेनी है, चुनरी लेनी है, तो फाइनली उन्होंने मेरे लिए मंगाई हुई है ये चुनरी, आप लोग देख सकते हो, ये है ग्रीन कलर में,
और इस पर पीकॉक बनी हुई है, आप लोग देख सकते हो इस पर पीकॉक बनी हुई है, छोटी छोटी पीकॉक बनी हुई है। इसको ओपन करके बता देती हूँ, इसका नीचे की साइड इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से है। इसको ये कलर मुझे साड़ियों में इतना पसंद है ना बहुत ज्यादा, लेकिन इस कलर की मेरे पास फैंसी यानी कि पार्टी वियर साड़ी नहीं है। मैं सर्च कर रही हूँ, मिलेगी तो मैं इस कलर में साड़ी जरूर लेना पसंद करूंगी। तो अभी ये लहंगे के लिए चुनरी आप सूट के साथ डाल सकते हो, लहंगे के साथ डाल सकते हो, इसको किसी के साथ भी डाल सकते हो, बहुत अच्छा लुक आ रहा है। इसके साथ भी, सूट के साथ भी बहुत अच्छा लुक आ रहा है इसका। तो ये है डार्क ग्रीन कलर में और जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। इसका बॉर्डर भी काफी अच्छा है, फिनिशिंग काफी अच्छी है, बहुत अमेजिंग है। और तो ये चार चीज मेरे हस्बैंड ने मुझे वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट में दी हैं। तो इन चारों चीजों की लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इनमें से आपको कुछ भी पसंद आए तो आप मंगा सकते हो। तो ये सारी चीजें उन्होंने मंगाई हुई हैं अमेजन से, अमेजन पे चलती रहती है सेल, तो काफी सस्ती सस्ती पड़ जाती हैं आपको चीजें। तो इन चारों चीजों की लिंक तो मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी चीज पसंद आती है तो वहां पे आपको लिंक मिलेगी, वहां पे आप क्लिक करके कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। सबसे मेन बात, उसकी डिलीवरी एकदम फास्ट है, बहुत अच्छे से डिलीवर हो जाता है, रिफंड पॉलिसी है, रिप्लेसमेंट है, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है, बहुत समय नहीं लगता है। तो मुझे अमेजन से शॉपिंग करना इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है। तो अभी तो अनिल को भी आदत पड़ चुकी है, तो अनिल ने भी ये सारी चीजें अमेजन से मंगाई हुई हैं। तो आप अपने वैलेंटाइन के लिए गिफ्ट में कुछ भी चीजें देना चाहते हो तो अमेजन से मंगा सकते हो। और हाँ, मुझे आपकी हेल्प की थोड़ी सी जरूरत है, उन्होंने मुझे इतनी सारी चीजें गिफ्ट में दी हैं, ठीक है। तो मैं उनको क्या गिफ्ट में दूं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं उनको क्या गिफ्ट में दूं। बहुत महंगी चीज मत बताइएगा क्योंकि इतना मेरा बजट नहीं है, थोड़ी सी सस्ती सी चीज बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलो आज की इस वीडियो का मैं यहीं पे करती हूँ एंड, और आपको मेरे गिफ्ट कैसे लगे, सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा लगा वो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।